हेलो यूट्यूब, आज मैं बना रही हूँ लोटस फ्लावर। इसमें इसे कंवल का फूल भी कहते हैं। ये मैंने रोमानियन स्टिच से बना रही हूँ। ये मैंने स्ट्रेट स्टिच से बनाया है। ये भी स्ट्रेट और लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच है ये वाला। ये फ्रेंच नॉट है, ये स्टेम स्टिच है और ये लेजी डेजी है। अभी मैं रोमानियन स्टिच बनाऊँगी। इसमें ये देखें, धागा इस साइड पे कर लेते हैं थंब के नीचे और नीडल यहाँ से गुजारते हैं, बाहर निकालते हैं ये इस साइड पे, ये देखें ऐसे। और फिर ये ही वाला जो धागा है, ये वाला जो है, ये हम इसके ऊपर से लेके आते हैं। ये देखें, मैंने फिर थंब के नीचे कर लिया इसे। और ये ऊपर से थोड़ा कोशिश कर दें, थोड़ा सा लंबा, ऐसे स्लेंटेड सा और लंबा हो। ये मैंने डबल शेडेड डीएमसी का थ्रेड लिया है। ये कॉटन का थ्रेड है और डीएमसी ब्रांड का है और ये डाई एंड डाई है। आपको अगर नहीं मिलता है, आपके नहीं है वहाँ पे आपकी कंट्री में डीएमसी, तो आप एंकर यूज़ कर सकते हैं या कोई सा भी ब्रांड जो आपको मिल जाए तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि अगर मैं डीएमसी कर रही हूँ तो आप भी डीएमसी करेंगे। आपके पास जो भी आपको इजीली अवेलेबल है वो आप ले लें धागा। अब अगर आप चाह रहे हैं कि इसे आपने थोड़ा सा इस स्टिच के साथ नहीं करना, आपने किसी और स्टिच के साथ करना, तो इसमें जो सबसे अच्छा जो स्टिच इन्हें फिल करने के लिए है वो चेकर स्टिच, उसके साथ भी आप इन्हें कर सकते हैं। अगर आप लाइट एंड डार्क शेड्स यूज़ करेंगे वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसका फ्लावर जो है वो भी लाइट एंड डार्क शेड का होता है। ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से है कि आप इसे पूरे को यहाँ से अगर पूरा फिल कर देंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए फिर ये वाली सेंटर वाली, ये मैंने बाउंड्री जो है ये वाली, ये मैंने लॉन्ग एंड शॉर्ट से बनाई है ताकि ये थोड़ा सा यहाँ से एम्प्टी स्पेस रह जाए और आप इसमें कुछ भी, जो जैसे ये मैं पोलन से भर रही हूँ, इस तरह से भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो स्ट्रेट स्टिच के साथ भी दे सकते हैं इसे शेड सा। और अगर आपने नॉट को, जैसे ये नॉट है, इसे आपने थोड़ा सा हैवी लुक देना है तो आप इसको दो, ये मैंने टू टाइम किया है, आप थ्री टाइम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा चाह रहे हैं कि आप छोटा ज़रा ज़्यादा हैवी लुक नहीं हो, लाइट सी हो, तो फिर आप एक दफ़ा से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको टू टाइम इसमें टर्न कर रही हूँ।
ठीक है, ये वाला जो मैंने स्टिच यहाँ पे यूज़ किया था वो मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखा दिया है। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगी फ्रेंच नॉट। अब अगर आप चाहें तो इसको साटन स्टिच के साथ भी फिल कर सकते हैं, अगर आप इसमें कोई और वेरिएशन देना चाह रहे हैं, जैसे आप इसे फ्लफी स्टिच जो है मैंने उसकी भी वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसके साथ बना सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। अदरवाइज़ आप इसे ये फ्रेंच नॉट के साथ फिल कर लें, नहीं तो अगर आपने इसे फैंसी लुक देनी है तो आप इसे बीड्स के साथ कर लें। फिर और यहाँ पे भी आप बीड्स चूज कर सकते हैं। और इसमें भी फ्रेंच नॉट में भी यही होता है कि अगर आप इसे हैवी लुक देना चाह रहे हैं तो आप ज़्यादा दफ़ा इसे कर लें, इसके ऊपर टर्न जो है, अगर हैवी लुक देनी है आपने तो 1, 2, 3 कर लें, अगर आपने थोड़ी लाइटर लुक देनी है तो 2 कर लें, अगर बिल्कुल लाइटर लुक देनी है तो 1 कर लें। ओके, और मैं ये 2 कर लें। ये देखिए, ये सारा फिल हो गया। अब मैं इसको जितने स्टिच इसमें यूज़ हुए हैं सारे मैंने इसलिए बनाए हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरह से कौन सा स्टिच कहाँ यूज़ हुआ है। अब बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहते हैं आप में से कि इसे पूरा स्टार्ट से आप बनाया करें, लेकिन स्टार्ट से बनाना मेरे लिए इसलिए मुश्किल है कि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी और इतना टाइम आप लोग नहीं उसे देख सकेंगे, मतलब आपका भी बहुत टाइम लग जाएगा उसे देखने में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी स्टिच मैं बना रही हूँ वो थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को हर स्टिच को मैं टच करूँ फ्लावर में और आपको दिखा दूँ। ये देखिए, अब ये इसमें स्टेम स्टिच यूज़ हुआ है तो ये मैं स्टेम स्टिच बना रही हूँ। क्योंकि अगर मैं पूरी बनाऊंगी तो इसे घंटों लग जाएंगे, 1 और 1.5 आवर इससे इतना लगेगा और वो इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी फिर। और अगर इसमें फास्ट फॉरवर्ड करके चलाऊंगी तो वो भी उसका भी यही रिज़ल्ट होगा जो अब मैं दिखा रही हूँ आपको, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा कि मैं बना रही हूँ और उसे फास्ट फॉरवर्ड दिखाई जा रही हूँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखिए, अब मैं ये लेज़ी डेज़ी बना रही हूँ।
इस तरह से आपने ये देखिए, मैं दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ इसे। ये रोमानियन स्टिच है, ये इसमें इस वाले लीफ में, इस लीफ में, इसमें इसमें ये जो फोर लीव्स हैं इनमें रोमानियन स्टिच से फिलिंग है। ये लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच और या साटन स्टिच जो है उससे फिलिंग है, और ये भी दोनों जो लीफ हैं ये साटन स्टिच से हैं। ये पोलन स्टिच है, ये फ्रेंच नॉट है, ये स्टेम स्टिच है और ये लेजी डेजी है। तो होपफुली तो ये हमारा ये हमारी आज की वीडियो थी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमारा आज का स्टिच है और ये आप फ्लावर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, आप पिलो केसेस पे यूज़ कर सकते हैं, आप अपने ड्रेसेस के ऊपर बना सकते हैं, किसी भी जगह पे आप इसके मोटिव बना सकते हैं। तो ये कहीं भी आप इसको बना सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत फ्लावर है और ये इसमें इसकी जगह आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें कोई और कलर यूज़ करना तो कर लें, अगर बीड्स चाहें तो बीड्स यूज़ कर लें। तो ये था हमारा आज का स्टिच, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।